पे कुछ खंडर भी हैं जो कि बंद पड़े हैं बहुत सालों से, क्योंकि काम नहीं हुआ कभी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट राइड पर टू लवासा। सो बहुत दिन से हम कहीं गए नहीं थे, तो वी प्लान फॉर अ शॉर्ट राइड। सो माई एबीएस क्रू, दैट इज सुशांत, रंजन एंड सैम, वी ऑल गोइंग टू लवासा टुडे। सो लवासा मैं शायद 2 साल पहले गया था, सो आई एम ऑल एक्साइटेड टू गो देयर अगेन ऑन द वी स्टॉर्म दिस टाइम। सो चलते हैं एंड आई विल सी यू इन द राइड। Hey guys, so let's leave. It's like 5:30. I'm already late. हज़ार लेट क्यों है ना, जैसे घर से बाहर निकलो तो सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, कुत्तों की भैंस की आँख। एक्चुअली प्लान था 6 बजे मिलने का इन कलम बोली, बट लगा नहीं 6 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा, बट 6:15 तक पहुँच जाऊँगा। सो थोड़ा भागाना पड़ेगा मुझे अभी। सो आई विल क्लोज द कैमरा और मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर में। गुड बाय। सो गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ कलमबोली और लुक एट द वेदर। अभी जो है वो अंधेरे से सुबह हो रही है और जो कलर फॉर्मेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ हेलो, कलमबोली, कलमबोली, हाँ क्यों, कौन नहीं आया? ओह सही यार, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, ये वेज और अब नॉन वेज खोल रहा हूँ। भाई मैं इधर बैठ के मैकडॉनल्ड्स में कॉफ़ी पी लिया, सब कर लिया, फिसू कर लिया, पेट्रोल भरा लिया, क्या कर रहे यार? कुछ गियर वियर नहीं? नहीं नहीं, तेरे को बोलेगा, तेरे को बोलेगा, तेरे को बोलेगा, नहीं 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 नहीं। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स क्योंकि हमारे सैम भाई आ गए हैं और हमेशा की तरह लेट। बाइक नहीं, हेलमेट ना, जो लास्ट राइड किया था वो छीट अभी भी है, साफ ही नहीं किया। मैं आज सवेरे पूरा वेदर क्लीन किया, ब्लूटूथ हेडफोन का पूरा फुल चार्ज किया। अच्छा, मेरे में 60% ही है एज ऑलवेज। बट वेदर एकदम मौसम है राइड करने के लिए, आप देख ही सकते हो। बट थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि इतनी भी ठंडी नहीं है, बट इट्स कूल। बट थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि जब धूप आ जाएगी कम्प्लीटली और तो गर्मी होने लगेगी फॉर श्योर। चलो हाय पुणे, हाउ आर यू? पुणे को हाय बोल दिया। काफी फेमस जगह है यहाँ का, ये रंजन ने बोला। एंड ब्यूटीफुल, अच्छा देख ना व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से हम आए हैं और अब हम यहाँ रुके हैं, फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ है लवासा। बहुत पीसफुल है,
जो भी एंटर लवासा बम 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 द वेरी ब्यूटिफुल ऑर्डर्स प्लेस लवासा. Whenever you come to Lavasa, don't miss this place. Very beautiful. Hello. 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 Lavasa city ke andar. So guys, hum Lavasa ke andar aa chuke hain aur humne 200 rupees ticket bhi bhare for parking. So pehle jo parking fees lete the, wo upar lete the, ab niche lete hain. और यहाँ पे ऐसे रो हाउसेज हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो एंड यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और हम थोड़ी देर पहले वहाँ ऊपर थे, अब हम नीचे आ गए. चुक चुक गाड़ी चले रम पम पम. यहाँ पे कुछ खंडर भी हैं जो कि बंद पड़े हैं बहुत सालों से क्योंकि काम नहीं हुआ कभी. आप बताओ अभी लवासा के बारे में हम लोगों को थोड़ा. कुछ भी नहीं मालूम मुझे. देखो मालूम पहले आ चुका हूँ बट पहले से कंडीशन बहुत बेकार है. एक्चुअल में थोड़ा सा मेंटेनेंस कम हो गया है, सब कलर्स वाले सारे डल हो गए, कोई पेंट नहीं करा था. पहले भी तो काफी नीट एंड क्लीन रहने का और पब्लिक भी बहुत आता था. तो अभी क्या कर रहे हैं सर कि अभी नहीं आ रहे? क्या मालूम, अंडर मेंटेनड है इसलिए लोग आते नहीं रहे. रोड तो कोई आते नहीं इसलिए अंडर मेंटेनड है सर. रोड तो बहुत पैथेटिक हो गया, बहुत बेकार. कोई बात नहीं सर, हम राइड के लिए तो आ ही सकते हैं. ऐसे अभी कूद के चले जाएं क्या अंदर रहने के लिए? टॉप बॉक्स अभी मिस कर रहा हूँ मैं. ये क्या है, जॉनी वॉकर रेड लेबल? एक एक बियर मारते हैं और दो घंटा लेटते हैं यहाँ पे और फिर निकल जाते हैं. एक्चुअल में बंद है शायद वो भी. ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. सो गाइस ये है लवासा का वाटर फ्रंट और काफ़ी खूबसूरत है. और आप ऊपर की तरफ अगर देखोगे सारे कॉटेजेस हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं. और इसको एक अलग टाउन बनाने की कोशिश की थी बट रिसेंटली यहाँ पे क्राउड ज़्यादा नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों. एंड अच्छा बिल्ड किया था इस एरिया को बट डोंट नो क्या हुआ है. यहाँ पे बैठते थे, यहाँ के यहाँ पे शॉपिंग की भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं जो आप जा सकते हो. और यहाँ पे अमूल आइसक्रीम बहुत स्पेशल है, खाओगे तो खाओ. आइए हमने अपना जगह पकड़ लिया है क्योंकि छाव है और बैठने की जगह है तो टिका ले सकते हैं. और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए. तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए. चलो भाई आइसक्रीम खाया जाए, यहाँ के वर्ल्ड फेमस अमूल के इसमें और कोल्ड ड्रिंक में मिलता है यहाँ पे. तो सैम कैसा लग रहा है तेरे को लवासा में आके? अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई. पहले दूसरे ग्रुप ही राइडिंग ग्रुप के साथ आया था, अभी नए ग्रुप के साथ हूँ. ये चाहिए पेन? वे उसके लिए अच्छा लगे पेन तो. सोनी प्यार 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 प्यार. हेलो
चले आइसक्रीम खाने। हम आ रहे हैं रांझौर के राठौर। पापा पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए। दोना दोना प्लीज 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 पापा आइसक्रीम चाहिए। जवां दिलों की पसंद स्प्राइट आशिकाना। आराम से पी सैम, छुपा मत, पेपर वेपर लगा, पब्लिक को देखना नहीं चाहिए पी रहा है करके। एक्चुअली बिलीव इट और नॉट में आना चाहिए एक सेन में कि ये सब घर खाली पड़े हैं। है ना, सब कुछ अच्छा है, मतलब फिर भी आसमान है नीला क्यों, पानी है गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। चलो अभी अपन थोड़े से लाइवली जगह पे आए जहाँ लोग दिख रहे थोड़े थोड़े। सन 1962 में यहाँ पे एक आदमी कुल्फी बेचता था, अब वो नहीं रहे और वो बहुत रिच था। रिच टेस्टर। हाँ, अरे अरे अपने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। चिल्ड फ्लेवर्ड नहीं, चाइल्ड फ्लेवर्ड। चाइल्ड बियर। So this is the place where you can do some water sports, like waterfront. Nice, looks like transformer. और यहाँ पे छोटे मोटे cafes है and ticket counter है जो कि you can do some water sports. और कुछ मोटा मोटी कुछ खास है नहीं, so हम थोड़े देर में यहाँ से निकल जाएंगे। गाइज हम अब निकल रहे हैं क्योंकि हमने पूरा लवासा घूम लिया जो कि लिमिटेड सा है और जिसकी हालत अभी फिलहाल ख़राब है। अरे 15 किलोमीटर का ही रेंज है, 17। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, क्या यार क्या छोड़ दिया ऐसे कैसे लोगों ने। सीरियसली खंडर बना दिया यार इसको। भाई लवासा में आ रहे हो तो पेट्रोल भर के आना। पानी से बॉटल दिया ना। तो गाइस हम हैं लोनावला में और हम जा रहे हैं सनीरा ढाबा में खाना खाने के लिए। चलो आपको ले चलते हैं अंदर। Guys, we are in Mumbai, in Navi Mumbai right now.
सो ओके गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द राइड और राइड काफ़ी अच्छा था. वैसे तो लवासा में कुछ है नहीं अब करने के लिए, सो जितना भी कुछ था हमने जो हम कर सकते थे हमने किया और मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है. आधे वक्त लोनावला में थोड़ी सी बारिश भी मिली एंड हमने सनीदा ढाबा में खाना भी खाया जो कि बहुत अच्छा था. ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन था आज एंड और लोनावला के बाद जो रोड थे आई मीन इट वॉज पैथेटिक बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड राइड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.